गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक एवरीबडी गुड, समबडी नाउ गोइंग ऑन 15 मंथ्स और 14 मंथ्स कंटिन्यू द ये कोरोना और इंडिया गोइंग ऑन लास्ट मार्च ऑनवर्ड्स सम टाइम समबडी सम फैमिलीज इन सेइंग आई गॉट सम प्रॉब्लम सर, गॉड इज ग्रेट, भगवान बढ़िया है, सब जने अच्छा हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और अभी हिम्मत छोड़ना नहीं, कॉन्फिडेंस, ये तो बहुत बढ़िया। आज के ये कोरोना के जो सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन हिम्मत पहले अपन सोचना है। और साथ ही साथ ही मालूम है अपने को, बहुत दिन से भी बोलते आ रहे, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉश, ये सारे चीजों को तो भूलना नहीं, भूलना नहीं, ये तो कंपलसरी अपन कंटिन्यू करने का। और कितने दिन लगता कि और क्या करता कि ये तो भूलने का नहीं है। और साथ ही कॉन्फिडेंस और अपना फैमिली इम्पोर्टेंट, ये सारे अपने चीज को तो पहले देखना है अभी। ओके चिल्ड्रन, लास्ट ईयर जून ऑनवर्ड्स अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करे थे, उसमें अच्छे से अच्छे बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आए, थोड़े बच्चे नहीं आए, वो लोगों को बाद में पता चला, अरे साल भर पूरा ऐसे गुजर गए, देखो हम पहले से जाना था, हम गलती कर लिए पहले से जाना बोल के, फिर बाद में पछताए, पछताए तो फिर पलट के नहीं आता, आपको मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूं पहले से जो भी है, पहले से बड़े लोग बोलते, माँ बाप बोलते, जो स्कूल वाले बोलते या टीचर बोलते, सुनना, सोचना, फॉलो करना। किस लिए बोलते हो लोग? उनके लिए नहीं, आपके लिए बोलते, आप अच्छा रहने के लिए बोलते। इसलिए बच्चे अभी भी जैसा प्रॉब्लम, बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम है, डेंजर भी बोल सकते, डेंजर प्रॉब्लम्स चल रहा थोड़े फैमिलीज में, थोड़े घरों में। इसलिए बच्चे प्लीज अंडरस्टूड, अंदर कूडा अर्थम चेसुकोवालंडी, चाना दुर्भरमैनटुवंटि रोजुलु वच्चायि, इलांटि रोजुलु वस्तायनि मनं एवरं ऊहिंचलेमु, ఎవ్వరు కూడా అనుకోలేదు, ఆ దేవుడు కూడా అనుకొని ఉండకుండొచ్చు, అనుకోకుండా వచ్చిన రోజులు కాబట్టి, ప్రకృతి పరంగా వచ్చినాయి కాబట్టి, మనం ఎవరి చేతిలో లేదు, మనము మన చేతిలో ఉన్నది ఏంటయ్యా అంటే జాగ్రత్తగా ఉండడం. ఒకవేళ కరోనా డేంజర్ కాదు, మనం ఊహించుకోవడమే డేంజర్, కరోనా డేంజర్ కాదు ఎవరికి, అది ఎవరో కొంతమంది సపోర్టెడ్, ఇంకా బాడీలో ఇంతకుముందు కొంచెం ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ దీనికి అటాచ్మెంట్ అయ్యి కొంతమంది కొన్ని పర్సంటేజ్ వస్తుంది, కానీ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ కరోనా ప్రాబ్లం కాదు. కరోనా ఇస్ ద ఓన్లీ టేక్ కేర్, కరోనా ఒక్కటి రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒక్కటండి ప్లీజ్. ఇక నెక్స్ట్ ఆప్కుతో మాలుమే, అవి జూన్ ఆన్వర్డ్సే अपन लास्ट ईयर करे, ये साल में भी जून ऑनवर्ड से कंपलसरी फर्स्ट से करेंगे बोले तो, अभी प्रिंसिपल सर ने बोले थोड़ा एक 15 मिनट जो 15 दिन के जो टाइम लेंगे जो गवर्नमेंट बोल रहा है, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा क्रिटिकल, और सेकंड वेव में बहुत डेंजर चल रहा, बहुत सारे घरों में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, इसलिए एक 15 डेज का टाइम लेके स्टार्ट करेंगे बोले। हम भी बोले ठीक है सर, पूरा टीचरों से मशवरा लेके सर ने बता दिया, ठीक है बोले। और पूरे लोग और जून 15 के बाद में कभी भी स्टार्ट होता हम इससे पहले आपको मैसेज करेंगे, और रेडी रहना, और साथ ही अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेना, रेडी रहना। अब ये उम्र बच्चों का जो पढ़ने का है, ऐसी बिफोर लास्ट ईयर ऐसी हो गए, पढ़े मगर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करे, लास्ट ईयर तो कंप्लीट ऑनलाइन हो गए,
उसमें थोड़े बच्चे पढ़े थोड़े बच्चे नहीं पढ़े ये भी बता दे रहा हूँ मैं, खुल्ले खुल्ला बोल दे रहा हूँ। देखो पेरेंट्स प्लीज, क्यों बोले तो इसमें नुकसान होने वाले बच्चे, या माँ बाप नहीं होते ना स्कूल वाले नहीं होते ना टीचर नहीं होते, क्यों बोले तो आगे के लिए जब अपना पैरों से खड़े रहने का पोजीशन आता, जब टाइम आता बड़े होने के बाद, या बिजनेस हो जॉब हो कुछ भी हो, जब अपने पास अगर सब्जेक्ट नहीं है तो जब ठहरने में थोड़ा दिक्कत होता, समझने की बात है ये, ठहरने में दिक्कत होता। अभी अगर बेस, अभी बोर्ड टाइम में मैं कई बार बोला, घर में अपन खाली बैठ रहे, वो ये सोचना वो ये ज्यादा कंप वो अननेसेसरी देखना, ये बंद करके अपने सब्जेक्ट पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो, अच्छा अच्छा स्टोरियां पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ड्राइंग करो, क्रिएटिविटी करो, साइंटिस्ट करो, इंजीनियरिंग करो। सर क्या इंजीनियरिंग करूं, बड़े बड़े पेपर कट करके जो भी करना है आपको कर सकते हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो, जो भी पानी वो ये सब मिला के कुछ भी कर सकते हो। क्रिएटिविटी बहुत सारे हैं, आप जो भी मिलता है जो मिलने के चीजों से आप कर सकते। इसलिए बच्चे आप टाइम वेस्ट नहीं कर लेना, मैं पहली से भी बोलते आ रहा हूं, मैं बहुत सारे अभी तक 25-30 वो ऑडियोस भेजा था, अभी ये टाइम में मैं बोला एक बार वीडियो भी करके देखेंगे, अब कैसा आता देखेंगे, वीडियो भी करें हम फर्स्ट टाइम का, और देखेंगे बच्चे आप लोगों के अच्छा के लिए जो भी है मैं कर रहा हूं, आप लोग आप पढ़ के सब्जेक्ट सीख के आगे बढ़े तो बस हम खुश होते, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं होना। और छोटे बच्चे, माँ बाप प्लीज छोटे बच्चों को खाली मत रखो, जो भी स्टोरीज जो भी राइम्स जो भी क्या बोलते हो मैक्स, जो भी मैक्स, अभी अपने स्क्रीन दिखता है इधर बाजू स्क्रीन दिख रहा, इसमें कितने ब्लू कलर्स के डॉट्स है, कितने अपने हरा कलर के पत्ता कितने हैं, ये काउंट करके टोटल करके आप कैलकुलेट करो, मैक्स होती 2 दिन की मैक्स है वो। कहीं कहीं क्रिएटिविटी करना है छोटे बच्चों को, अच्छे तरीके से वो लोग सुनते, बड़े बच्चे भी सुनते, मगर थोड़े बच्चे रहते, मगर बाहर भी खेलना नहीं है, माँ बाप बोले से सुनो, माँ बाप को सपोर्ट करो, अब क्या तो ये पोजीशन में आप सपोर्ट करना, और एक क्या है अपन फाइनेंशियली कंट्रोल भी करना है, वो होना ये होना ये होना, इसी टाइम में अपना मांगना नहीं है, जो अपने फैमिली के सिचुएशन से अपन चलना है साथ, अपने माँ बाप बहुत बढ़िया है, अपने को जो जरूरत है कंपलसरी कर रहे, और कहीं जगह पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा, कहीं जाना नहीं है, अभी ऐसी वो थोड़े फैमिलीज में थोड़ा रिलीजन्स में शादी और बर्थडे जो भी चलते जा रहा, अरे बर्थडे गए तो क्या, कुछ भी ये मत सोचना प्लीज, अपना घर में अपन रहो, या 2 दिन हमारा फैमिली है उनके फैमिली है, क्या होता क्या होता नहीं बोलना, ये गवर्नमेंट अननेसेसरी लॉकडाउन नहीं कर रहे, आप दिल्ली का देखें कितना लॉकडाउन से पहले कितना पेशेंट्स आते थे रोजाना कोरोना के, और लॉकडाउन करके कितना कंट्रोल करें, एग्जाम्पल है वो। इसलिए बच्चे जो अपन जितना सारे जितना हो सकता उतना दूर रहना, नजीक रहने से बोल नहीं सकते, कहीं भी थोड़ा पा किसके पास भी अगर रहे उन्हें फैल जाता, फैले तो कितने की कितने लोगों को फैलते रहता हो। इसलिए बच्चे, इसलिए पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टूड एंड फॉलो देम, एवरीवन सेफ, एवरीवन टेक केयर, एवरीवन यू चिल्ड्रंस वॉट एवर यू कमिंग इन ए नेक्स्ट क्लास, यू प्लीज अंडरस्टूड यू कमिंग टू 6th क्लास या 4th क्लास या 3rd क्लास या 2nd क्लास, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू वंस यू प्लीज सिट वन प्लेस, यू एक्सप्लेन फर्स्ट, लास्ट ईयर दिस इज द यू फर्स्ट क्लास, दिस इज द पोर्शन, यू नो दिस पोर्शन चिल्ड्रन, यू आस्क पेरेंट्स प्लीज यू नो दिस पोर्शन, आई आस्क द क्वेश्चन, यस मम्मी, ओ दैट इज अ गुड स्टूडेंट, आस्क 1-2 क्वेश्चन, यू आस्क वन बाय यू लेटरी टाइप एनी पेज यू टेक आउट आस्क द क्वेश्चन, सम चिल्ड्रन आई डोंट नो प्लीज यू रीड, नेक्स्ट यू गोइंग इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, वॉट एवर नेक्स्ट क्लास दिस इज अर सिचुएशन, नेक्स्ट क्लास यू वॉट एवर समबडी बुक्स बुक्स नॉट इज देयर यू एवरीथिंग इज इन ए
అవర్ నెట్ వాట్ యు వాంట్ సిబిఎస్ఈ ఎన్ఆర్టీ బుక్స్ వాట్ యు వాంట్ యువర్ బుక్స్ యు ఆస్క్ ద అవర్ కన్సల్ట్ టీచర్స్ నంబర్ ఇస్ దేర్ అవర్ ఆఫీస్ టీచర్స్ నంబర్ ఇస్ దేర్ అవర్ ఆఫీస్ నంబర్ ఇస్ దేర్ యు ఆస్క్ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ యు ఓపెన్ ద నెట్ అండ్ కంటిన్యూ ద యువర్ సిలబస్ ఓకే చిల్డ్రన్ నోబడి ఇస్ ద నాట్ ఎ లూజ్ ఎవ్వరు కూడా మనం ఒక్క క్షణం కూడా మనము దాన్ని వదులుకోవద్దు ఒక్క క్షణాన్ని కూడా వృధా చేసుకోకండి జాగ్రత్తగా ఉండండి మంచి చదువులు చదవండి మనకు మంచి టైం ఉంది మంచి నాలెడ్జ్ నేర్చుకునే టైం వచ్చింది మన దగ్గర టైం ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి అప్పుడు మీరు బాగుపడతారు మీరు మంచి అవుతారు పొజిషన్లో ఉంటారు మీకు అవసరమైనప్పుడు ఒకప్పుడు పేరెంట్స్ కొద్దో గొప్ప వాళ్ళు సేవ్ చేసిన మనీ 2 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఇంటికాడ కూర్చొని ఏ బిజినెస్ లేవు జాబ్స్ లేవు ఎక్కడ చూసినా మనం కట్టే ట్యాక్సులు కానీ మనం కట్టే కరెంట్ బిల్స్ కానీ వాటర్ బిల్స్ కానీ అన్నీ కడుతున్నాం మరి ఇవన్నీ మనం ఆ రోజు సేవ్ చేసాం కాబట్టి ఈరోజు మనం చేయగలుగుతున్నాం సేమ్ పొజిషన్ ఈరోజు నువ్వు చదివితేనే నెక్స్ట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే జాబ్ చేయాలనుకుంటావో అప్పుడు కంపల్సరీ నీకు ఇది అవసరం పడుతుంది జిస్ దిన్ ఆప్ ఠహర్నా హై ఆప్ ఖుద్ ఠహర్నా హై అఫేలా ఠహర్నా హై చార్ జనంకు ఠహరా కర్నా తుమ్ ఆప్కా ఫ్యామిలీ హో జాతీ జబ్ జబ్ ఆప్కా యే పడాయి నహీ హై తో ఆప్ సపోర్ట్ నహీ లే సక్తే జబ్ జబ్ లూజ్ బన్ జాతీ తుమ్ ఇస్లియే బచ్చే సమజ్ జావ్ ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ యూ థింక్ వాట్ ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ వై ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఎనీ బుక్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ సెకండ్ whatever you want you read general knowledge history stories drawings creativity something you ask your brother sister something you ask your mom and dad something your grandparents also your grandparents is a very talented persons you know that persons what you want is a your subject also That's why I am telling, please children, everyone be ready, coming in classes in, अभी थोड़े दिनों में अपना classes भी start होने वाला है, everyone ready हो जाओ, कोई भी हिम्मत हारना नहीं देखो, हिम्मत हारना नहीं, कुछ भी तकलीफ है, बात करो सामने वाले से, बात करो आजू बाजू वाले से, बात करके जो भी है अपना आगे चलो, करके problem भी रहे तो, ऐसा है, कोई friends को बोल देना, तो ऐसा है, 10 फ्रेंड्स में 4 फ्रेंड्स में कोई ना अगर 2 जने अगर नहीं भी करे तो 2 जने तो कंपलसरी करते मगर अपन अरे कई को बोलेंगे क्या बोलेंगे बोले तो अपन नुकसान होते बाद में उन्हें भी परेशान होता अरे जर्रा मेरे को फोन नहीं करे जी तुम ऐसा बोलते इसलिए जितना हो सकता है उतना अपने टाइम यूज करो फ्रेंड्स को यूज करो रिश्तेदारों को यूज करो और साथ ही साथ ही अपने जो लॉकडाउन के साथ चलना है और ये सेफ्टी और जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कोविड का चलना है चलने दो और कोई डरना नहीं है मगर सेफ रहना है फॉलो करना है कंपलसरी हाय सोते में और जो थोड़े आगे पीछे रहते थोड़े जने अब 4 उंगली एक चला नहीं रहता एक जन आगे रहते एक उंगली पीछे ऐसी जो जिससे जो होता है वो करना जिससे थोड़ा हल्लू होता है उन्हें हल्लू करना जिससे नहीं आराम से करते रहना लास्ट ईयर भी हम देखे वैसी सिचुएशन चले किसको भी हम आपका ये आप कुछ भी नहीं रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा बोल के किसका पेरेंट्स का भी किसका भी मैम वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं रोके मगर लास्ट टाइम हम जो सोचे अरे आज होता कल होता आज होता असली टाइम में फिर एग्जाम्स के टाइम में ऐसी फिर प्रॉब्लम आया उतना जितना सोचे हम जितना बहुत सारे टीचर्स के जो अपन जो भी करें चलो ठीक है भगवान बढ़िया है मगर जितना हो सकता उतना अपन सामने वाले के भी समझना क्या प्रॉब्लम है अपने जब प्रॉब्लम है अपने घर घर का प्रॉब्लम कितना है और सामने वाला भी एक इंस्टीट्यूशन चलाना है कुछ को आपको ऑनलाइन में चलो रिकॉर्डेड क्लासेस हो ये बोले तो वो नहीं होता आप ऑनलाइन क्लासेस टीचर के साथ आप लोग सुने आपको अच्छा लगे और कई पेरेंट्स भी बोले हमारा प्रिंसिपल साहब बोले नहीं सर हमारा सिस्टम मैं कई बार पूछते रहे तुम सर कैसा है क्या पोजिशन पे है कहां तक समझ में आ रहा बच्चों को क्या रिजल्ट है अपने को क्या फीडबैक है पेरेंट्स से वो पूरा समझ के हम क्या करते डे टू डे अपडेट भी होते
कुछ भी प्रॉब्लम्स भी है अपने को तरफ से, कुछ भी अगर रहे रेक्टिफाइड करके अपडेट भी होते और आगे बढ़ते। सिर्फ अपना मोटिवेशन, अपने मोटिव क्या है बोले तो, अपने मोटिव बच्चे आगे बढ़ना, बच्चे अच्छा पढ़ना। ओके चिल्ड्रन, एनी वे यू टेक केयर, सेफ योर होम इन स्टे होम ओनली, और एवरीबडी बी सपोर्ट इन ए फैमिली, सपोर्टिव इन फैमिली। नाउ जिस ये सिचुएशन में पूरा फैमिली एक कट्टा रहना, अरे मेरे से क्या होता, मैं बच्चा है, नहीं तुम्हारे से भी होता, बहुत सारे होता, करके दिखाओ। ओके चिल्ड्रन, रेडी है? और अपने स्कूल को भूल गए, कई कमेंट्स देख रहा हूं मैं, एक बच्चे का तो सरदार जी का लगा है, अरे ये मैं गए से सपने में ला ईयर में मैं ये माल में था, ऐसा 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 हो गए। देखो स्कूल बोले तो ऐसा हो गए, नहीं करना ऐसा, नहीं आप स्कूल को सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को नहीं बोलना, बुक्स को नहीं बोलना, क्लास को नहीं बोलना, कौन सा क्लास में है आप, और स्कूल को नहीं बोलना, क्लासरूम को नहीं बोलना, आपका बेंच को नहीं बोलना, आपका ग्रीन बोर्ड को नहीं बोलना, ये होता है पढ़ाई। ओके चिल्ड्रन, एनीवे एवरीवन यू सेफ, गॉड इज ग्रेट, भगवान बढ़िया है, अंदर भगवंतुन दयतोनी कष्टकाल बैठ पड़ता, अधैर्य पड़कండి, धैर्य का ఉండండి, ఒక్కొక్కరం సహాయం చేసుకుందాం, ఒక్కొక్కరం కలిసికట్టుగా పని చేసుకుందాం, నిలబడదాం, కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కొందాం, ముందుకు పోదాం, ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంది మనకు, ఈ 1-2 ఇయర్స్ తోనే అయిపోలేదు, ఈ కష్టకాలాన్ని అందరం కూడా పంచుకొని అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి ముందుకెళ్ళి మనం అందరం కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మరొక్కసారి పూరే బచ్చోంకు బోల్రూ మై అచ్చా పడో, మా బాబ్ బోలేసే సునో, अच्छा पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, पढ़ाई में क्रिएटिविटी करो, पढ़ाई के बारे में सोचना करो। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, थैंक गॉड, एवरीवन इज सेफ, एवरीवन इज स्टे होम, एवरीवन इज इन कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट इन एक कट्ठा पे रहो। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।